नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। खबर आ रही है बाराबंकी जनपद के कुटवा कला गांव से, जहां पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई। जगह जगह पर घर से निकली महिलाओं ने स्वागत किया। हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। जगह जगह पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। पूरा गाँव राममय हो गया। मैं मनीष परिहार, संयोजक बत्तही गांव में कार्यक्रम होता है चौपाल का, जहां सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज जो शोभा यात्रा निकली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज की ये जो शोभा यात्रा है, 500 वर्षों की कठिन तपस्या, जहां हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, कई कई लड़ाइयां लड़ी हैं, और आज भगवान श्री राम अपने भवन में, अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। ये शुभ घड़ी जो आई है, इससे पूरा युवा वर्ग, जितने नौजवान है, जितनी महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे, सब में उत्साह है कि मेरे भगवान अपने मंदिर में कठिन तपस्या के बाद जा रहे हैं। जिसके तहत आज अपने गांव कुटवा कला में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी तैयारी विगत 20 दिनों से की जा रही थी, जिसमें मार्ग की स्वच्छता है, रेखांकन है, रंगोली का कार्य है, और झंडियां लगाना, झंडे लगाना, दीपावली की तरह पूरे गांव को सजाया गया है, जिससे एक राममय माहौल बन सके, जिसमें पूरे गांव की सहभागिता रही है। इस पूरे आयोजन का हमें संयोजक बनाया गया, इसके तहत आज ये कार्यक्रम बड़ी भव्यता दिव्यता के रूप में संपन्न हो रहा है। क्या कहेंगे? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि एक कई पीढ़ियां जो लगातार संघर्ष करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिए, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए भी दिखा, और उसमें आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। गौरव का पल है, आनंद का पल है, और पूरे समाज में जो उत्साह है, वो आज भगवान राम की कृपा है। इतना मौसम खराब था, विषम परिस्थितियां थी, आज मौसम भी अच्छा है, भगवान अपने महल में विराजमान हो गए, चारों तरफ जय जयकार है, सनातन की जय जयकार है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। एईजेड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और सबसे पहले खबर पाएं।